रुक जा यार, ये लो जल ले लो, थक गए होंगे अंबानीज की रईसी भरी वीडियोस देख देख कर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकिता और आज हम बात करने वाले हैं अल्ट्रा रिच शादी की, जिसे देखकर हम सबको ना एक पॉइंट पर गरीब अल्ट्रा प्रो मैक्स तो फील हो ही गया। लेकिन भाई ये था क्या? अमेरिकन सिंगर एक और छम्मक छल्लो गा रहा है, पीछे ढोल बज रहा है, सलमान खान को उठा उठा के नाच रहे हैं। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। भाई ऐसी होती है अमीरों की शादी, टेंशन ही नहीं है कोई। ग्लैमर के नाम पर ये करीना करिश्मा सारा जानवी तो ऐसे ही घूम रही है। रिहाना का कॉन्सर्ट करा दिया, दिलजीत का भी करा दिया लगे हाथ। लेकिन इतना सब कराने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हर शादी में होनी होनी है, फिर चाहे वो अल्ट्रा रिच शादी क्यों ना हो। अब देखो, अनंत और राधिका अंबानी की प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हुई है। बताया गया कि इसका बजट 1000 करोड़ था, लेकिन फिर भी जैसे हमारे यहाँ रिश्तेदारों को एक बस में ठूसा जाता है, वैसे ही बॉलीवुड के 1.5 दर्जन सेलिब्रिटीज को एक ही बस में फिट कर दिया। और मीनवाइल हमारे घरों के फूफा जी कह रहे हैं मैं तो ना सहता। एक और चीज, ये स्टार किड्स भी हमारे यहाँ के लिच्चड़ बच्चों की तरह इधर उधर बावले बन के घूम रहे होते हैं शादी पे, फिर चाहे आप करीना या आलिया के बच्चे ही क्यों ना हो, आपको भी ये टॉर्चर तो महसूस होगा ही। अच्छा, यहाँ पर भी जजमेंटल आंटीज का प्रकोप भारी था। वो जो जजी आईज होती है ना, वो तो भैया हर शादी में आपको दिखी जाएंगी, ये वाली। एक और चीज, नीता अंबानी का ये 400 करोड़ का नेकलेस। अब देखो, हमारे यहाँ भी जब शादियां होती हैं तो मम्मी लोग भी अपना सबसे महंगा नेकलेस निकालती है ना, शो ऑफ पर्पस के लिए। बस ये नेकलेस पहनने का भी मकसद यही था कि देखो गरीबों, 400 करोड़ का नेकलेस है हमारे पास, जीरो गिनते गिनते पता नहीं कितनी रातें निकल जाएंगी तुम्हारी। लेकिन भैया बात तो माननी पड़ेगी कि फिजिकली बेशक हम लोग कहीं पर भी हो, लेकिन मेंटली अंबानी जी ने हम सबको जामनगर पहुंचा ही दिया था। वैसे आपने भी मेरी तरह कोई ऐसी चीज शादी में नोटिस की तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।